हेलो फ्रेंड्स, मैं आज कढ़ाई पनीर बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ करीब दो इतने बड़े करछी ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और इसमें मैं डालूँगी अनियंस। अभी ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए फिर इसमें अनियंस डालते हैं। अनियंस मैंने इस तरह से जूलियन कट डाल कर लिया है, इसको लंबा लंबा काट लिया है। और आधा किलो पनीर है, आधा किलो के पनीर के लिए मैंने 250 ग्राम प्याज ली हैं और करीब 250 ग्राम ही टमाटर लगेंगे और 200 ग्राम के करीब शिमला मिर्च। इसको हमें बिल्कुल भी तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, ये मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ क्योंकि हमें इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। जस्ट पिंकिश और ट्रांस हो जाए, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट जैसे दिखने लगे, बस तभी तक हमें इसको पकाना है। हल्का हल्का पिंकिश ब्राउन होना शुरू हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है। इनको हमें जली हुई वाली प्याज का बर्न्ड प्याज वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। मैंने काट के रख लिए हैं। ये काजू ग्राइंड करके उसमें डालेंगे। मैं काजू को ग्राइंड करने जा रही हूँ। इसका बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट बन के रेडी हो गया है। पानी के साथ ही मैंने पेस्ट बनाया है, मिल्क के साथ नहीं बनाया। अब देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी हो गई है और पिंकिश ब्राउन भी हो गई है। तो अब मैं इस स्टेज पे हमें डालने हैं इसमें टमाटर। देखिए इस स्टेज पर डालेंगे अब हमारे सारे मसाले, जिसमें सबसे पहले है 1 चम्मच जो टीस्पून होता है वो भर के किचन किंग, लाल मिर्ची पाउडर, देगी मिर्च डालनी है बेसिकली, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट डलेगा। अभी मैं सिर्फ इन सब चीज़ों के हिसाब से थोड़ा नमक डाल रही हूँ। पनीर डलने के बाद मैं नमक और ऐड करूँगी। अब जब ये अच्छे से मसाले भुन जाएंगे और साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ। अभी मसालों ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है तो अब इस स्टेज पे डालेंगे हम शिमला मिर्च। ये भी एक्चुअली पतले पतले कटने चाहिए थे शिमला मिर्च, जूलियन कट जो होते हैं, लेकिन ये बेटी ने काटे हैं तो उससे जैसे कट पाया उसने काट दिए। मैं उसको बता भी नहीं पाई थी एक्चुअली कि जूलियन कट चाहिए मुझे, उसने पिज़्ज़ा के लिए काटे थे, बट चलो ठीक है बन गया है। ये अगर पतले होते तो इस स्टेज पे बिल्कुल अच्छे से थोड़ा चटनी जैसे इसमें मसाले में मिक्स हो गए होते, बट अभी खड़े हैं तो कोई बात नहीं। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे जो हमने काजू का पेस्ट बनाया था वो। अभी हमें करीब 2 से 3 मिनट इसको बॉईल होने देना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा, वापस से थोड़ा ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे पनीर और थोड़ा सा पानी। तो
देखिए अभी ऑयल सेपरेट हो गया है और अब इस स्टेज पे हम डालेंगे पनीर के पीसेस और थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डालेंगे जिससे कि जो मसाले हैं, साल्ट है, वो सब पनीर के अंदर चला जाए। अभी इसमें मॉइस्चर बहुत ही कम है तो वो पनीर सारा सोख नहीं पाएगा, सॉफ्ट नहीं होगा पनीर। जब पानी डालेंगे थोड़ा सा मसाले भी जाएंगे और उस पानी के थ्रू जब मॉइस्चर बनेगा उससे पनीर नरम भी होएगा, बहुत सॉफ्ट होएगा। अभी हमने सेट कर दिया, बस इसको हल्के से चलाना है और धीमी आंच पे करीब 6 से 7 मिनट हम इसको पकने देंगे। इसको कवर नहीं करना है, जस्ट ओपन ही इसको पकाना है। फ्रेंड्स आपको एक बात बताऊं, आपका पनीर बटर मसाला कढ़ाई पनीर बिना किचन किंग के अधूरा है और जब तक आप इसमें किचन किंग नहीं डालेंगे आपको वो टेस्ट आएगा ही नहीं जो मार्केट में मिलता है। ये देखिए तैयार है, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट वाला कढ़ाई पनीर। थोड़ी सी क्रीम से डेकोरेट कर देंगे। क्रीम थोड़ी थिक है, जस्ट फ्रिज से निकाली है।